अगर आपका YouTube का जो एडवांस फीचर्स रहता है वो आपको डिसेबल शो ऑफ हो रहा है, या फिर एक इनेबल है एंड दूसरा तीसरा आपको जो है डिसेबल दिखा रहा है, सो इस हाल में क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, काफी लोगों का डाउट है गाइस। एंड जो खास करके वो न्यू यूट्यूबर है उसके चैनल पे ये चीज जो है डिसेबल हो जाता है। इसके ऊपर एक दो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि अलग अलग तरीके से बताया हूँ कि आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, यानी ये फीचर जो डिसेबल आपको शो ऑफ हो रहा है, सो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा इन फ्यूचर में या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस फीचर्स को अगर आप ऑन कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, सो इतने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है, इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे जो है गाइज देखने को मिलेगा आपके जो है चैनल पे। ओके, जो यहाँ पे फीचर्स बता रहा है, यानी क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम डेली आप जो है लाइव आ सकते हैं। ओके, एंड तीसरा आपको दूसरा अपलोड मोर वीडियो डेली, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ये फीचर्स को इनेबल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप जो है सिर्फ 2 से 3 वीडियो साइज अपलोड कर सकते हैं चैनल पे। अगर वहीं पे ये फीचर्स अगर आप ऑन कर लेते हैं तो दिन में आप जितना चाहे उतना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर्स को अगर आप इनेबल नहीं करते हैं तो 5-6 लगभग इतना ही वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं एक दिन में। एंड तीसरा आपको देखने को एम्बेडेड लाइव स्ट्रीम्स, बहुत अगर आप जो है लाइव आना चाहते हैं एंड वो आ सकते हैं। एंड नीचे क्या आपको देखने को मिला, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। गाइस काफी लोगों का यहाँ पे यही डाउट है कि ये फीचर जो है मेरा डिसेबल शो ऑफ हो रहा है, सो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। सो अगर आपका यहाँ पे ये डाउट है, अगर आपके चैनल पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिला, ये डिसेबल है ये, और आप जो ये सोच रहे हैं कि मैं चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दूं, ये मोनेटाइज होगा या नहीं, सो इसका एक ही जवाब है कि आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा अगर ये डिसेबल रहा तो। ओके, अगर आप मोनेटाइज को अप्लाई करने से पहले ये चीज को अगर आप ऑन कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, सो बिंदास आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर ये डिसेबल रहा और आप ये सोच रहे हैं कि चैनल में मोनेटाइज कर लूं, सो कभी भी एंड कोई भी चैनल को मोनेटाइज करा के आपका नहीं दे सकता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि YouTube जो है खुद यहाँ पे बता रहा है कि इस फीचर्स को आपको इनेबल करना होगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा एंड ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहीं पे अगर आप इस चीज को ठीक करना चाहते हैं गाइज, सो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंपनी जो यहाँ पे दिया है YouTube की तरफ से, आपको 3 ऑप्शन से इस चीज को आप जो है इनेबल कर सकते हैं। एक हो गया आपका पासपोर्ट जो कार्ड रहता है वो अगर है तो उससे आप जो है काम कर सकते हैं। एंड दूसरा आपको देखने में ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों चीज अगर आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, सो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के जो है जरिए से आप जो है इस चीज को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आधार कार्ड से या फिर पैन कार्ड से कर लूं, सो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है, सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए एंड जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो दूसरे का हो या फिर किसी का भी लेके आप जो है इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग जाओगे, अप्लाई करोगे, सो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फर्स्ट टाइम। एंड दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि चैनल हिस्ट्री जो है वहां से आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, चैनल हिस्ट्री क्या है कि आपको जो है अपना खुद का यहाँ पे चैनल का कुछ रोज का पुराना होना चाहिए एंड जो कीवर्ड है वो आपको टाइप करना होगा, डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको फिल करना होगा, यानी जो है अवार्ड वाला पेज जो रहता है चैनल का वो आपको फिल करना होगा। ये सब अगर पूरा फिल करके रखते हैं और कंटिन्यू आप काम करते हैं, आपका चैनल एक सही परफॉर्मेंस पे है और आप जो है 15-20-30 रोज से आप काम कर रहे हैं, सो इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग से जाकर अप्लाई करोगे सो आप अपने इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। एंड तीसरा आपको देखने को मिलेगा वहीं पे वीडियो वेरिफिकेशन, यानी फेस दिखा के आप जो है इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप फेस दिखाना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं मैं अगर फेस ना दिखाऊं सो कैसे हम जो है इसे जो है इनेबल कर सकते हैं। सो अगर आप फेस स्वैप नहीं कराना चाहते हैं सो इसके लिए आपको जो 2 ऑप्शन है उससे आप कर सकते हैं, चैनल हिस्ट्री से एंड डॉक्यूमेंट से। वीडियो वेरिफिकेशन समझ लो, वीडियो वेरिफिकेशन वही होना चाहिए जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जो फेस ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है आपके वीडियो से। उससे क्या करता है, यूट्यूब ये स्कैन करता है, दिखता है कि अभी आप जो फेस दिखा रहे हैं वो फेस एंड जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है वो फेस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो डिसेबल कर देगा, इनेबल नहीं होगा। ओके, फिर कुछ रोज बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस यहां से इन तरीके के मदद से आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये फीचर्स में से 3 जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है सो इन फीचर्स में से अगर आप एक भी फीचर्स को इनेबल कर लेते हैं सो बिंदास आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। एक ही फीचर्स लगभग यहाँ पे ऑन करना होता है। ओके, एक फीचर्स को काम कर लो, बिंदास आप काम करते रहो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस देगा। सो गाइस आई होप कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। न्यू यूट्यूबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे,
आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं, अगर ये डिसेबल रहा मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसे आपको इनेबल करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लेना। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर यूट्यूब से कुछ भी चीज़ सीखना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिए।